Hey everyone, welcome to my channel. I hope कि आप सब अच्छे होंगे एंड सेफ होंगे. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं रिव्यू करने वाली हूँ लैक्मे पीच मिल्क अल्ट्रा जेल मॉइस्चराइजर का. एंड आई एम सो एक्साइटेड अबाउट दिस प्रोडक्ट, क्योंकि इससे पहले मैंने लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर जो काफी सालों से मार्केट में है, वो बहुत सालों तक मैंने यूज किया है. इनफैक्ट अभी भी मैं उसे यूज करती हूँ एंड मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगता है. एंड काफी साल बाद लैक्मे ने एक नया वेरिएंट निकाला है उसमें. तो अगर आपको इस प्रोडक्ट के बारे में जानना है तो प्लीज कीप ऑन वॉचिंग. अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल. सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. बात करते हैं इसके प्राइस की. तो ये है 150 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट एंड इसकी प्राइस है ₹350. बट ये बड़ा साइज है, इससे छोटा साइज भी अवेलेबल है जिसकी प्राइस है ₹150. उसमें आपको मिलता है 65 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट. तो क्योंकि मुझे लैक्मे पीच मिल्क बहुत ज्यादा अच्छा लगता है तो इसलिए मैंने बड़ा वाला ही प्रोडक्ट खरीदा है, क्योंकि मुझे अंदर से एक फीलिंग आ रही थी कि ये अच्छा ही होगा. बात करते हैं इसके पैकेजिंग की. तो इसकी पैकेजिंग है कुछ इस तरह की, आप देख सकते हो. इसके ऊपर कोई कवर नहीं आता है, ये इसी तरह का मिला था मुझे. एंड इसकी जो पैकेजिंग है ये काफी हद तक सिमिलर है पॉन्ड्स का जो जेल मॉइस्चराइजर ब्लू वाला डब्बा जो आता है, जिसका मैंने रिव्यू भी किया हुआ है, उससे बहुत ज्यादा सिमिलर है इसका जो पैकेजिंग. एंड इसकी जो क्वालिटी है वो भी बहुत ज्यादा मिलती है उससे. इसके बारे में बाद में बात करेंगे. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा हुआ है लैक्मे पीच मिल्क अल्ट्रा जेल मॉइस्चराइजर. अगर आपने यूज किया हुआ है लैक्मे पीच मिल्क मॉइस्चराइजर पहले वाला, तो आपको पता होगा कि उसकी जो कंसिस्टेंसी है काफी थिन रहती है एंड ऑयली स्किन पीपल लोगों के लिए वो नहीं था. काफी ज्यादा ऑयल सीक्रेट होता था उसको लगाने के बाद. तो इसलिए मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जिन्हें भी उससे प्रॉब्लम थी, ऑयली स्किन वाले लोग जो स्पेशली, उनके लिए ये जेल बेस्ड फॉर्मूला पे बनाया गया है. एंड मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है क्योंकि मैं अभी कुछ दिन पहले से इसे यूज कर रही हूँ. तो अब मैं आपको बताती हूँ कि इसे खोलने के बाद इसका कलर कैसा है, इसका टेक्सचर कैसा है, ये कैसा लगता है स्किन पे. तो ये नॉर्मली आप इस तरीके से रोटेट करके इसे खोल सकते हो. तो आप देख सकते हो कि ये खुला हुआ है, क्योंकि लास्ट 10 डेज से मैं इसे यूज कर रही हूँ ताकि मैं इसका बढ़िया वाला रिव्यू कर पाऊँ. तो जैसे ही आप इसे खोलते हो आपको इस तरीके का प्रोडक्ट दिखता है. बहुत ही लाइट पिंक सा कलर है, बहुत ही प्यारा कलर है. कलर तो वैसा ही है जैसा लैक्मे मॉइस्चराइजर का था, बट जो टेक्सचर है वो इसका डिफरेंट है. ये जेल टेक्सचर में है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगी. तो अब हम चलते हैं एंड देखते हैं कि ये मेरे बेयर स्किन में कैसा लगता है. आई मीन मैं मेकअप उतार के आऊंगी एंड फिर मैं दिखाऊंगी आपको कि मेरे स्किन में लगने के बाद ये स्मूथ लगता है या नहीं, सिल्की लगता है या नहीं, हाइड्रेट करता है या नहीं, शाइन आता है कि नहीं, एंड एवरीथिंग अबाउट इट. सो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि मैंने अपना मेकअप हटा दिया है एंड ये मेरा बेयर स्किन है. अब मैं लगाऊंगी ये मॉइस्चराइजर. कंसिस्टेंसी आप देख सकते हो बिल्कुल जेल वाली है एंड थोड़ा सा लेके आप अपने पूरे फेस पे लगा सकते हो, क्योंकि बहुत ही अच्छी तरीके से ब्लेंड हो जाता है एंड सेकेंड्स में ये एब्जॉर्ब हो जाता है. जैसा कि आप देख सकते हो, लगाने के बाद काफ़ी सॉफ्ट एंड सिल्की वाला फिनिश लगता है आपका फेस एंड हाइड्रेटेड रहता है काफ़ी लंबे वक्त तक. विंटर्स के टाइम के लिए तो काफ़ी अच्छा है. डेली वेयर में आप इसे यूज़ कर सकते हो. मेकअप करने से पहले आप भी इसे यूज़ कर सकते हो. बिल्कुल नॉन स्टिकी फॉर्मूला है, काफ़ी अच्छा है. ड्यूई एंड फ्रेश लुक दे रहा है जैसा कि आप देख सकते हो. तो मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा. यू कैन एब्सोल्युटली परचेज दिस प्रोडक्ट. तो जैसा कि आपने देखा मेरे बेयर स्किन में इसका एप्लीकेशन, तो अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं इसे कितने स्टार्स दूंगी. तो मैं इसे आउट ऑफ 10 दूंगी 7 स्टार्स एंड मैं इसे रिकमेंड करूंगी फॉर पीपल विथ ऑयली स्किन एंड नॉर्मल स्किन वालों को. ड्राई स्किन वालों को मैं इसलिए रिकमेंड नहीं करूंगी क्योंकि इसकी जो कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा थिक नहीं है, तो आई डोंट नो कि वो कितने देर तक रह पाएगा स्किन में. एंड इसकी जो फ्रेग्रेंस है ना, वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है. तो जिन्हें भी बहुत ज्यादा स्मेल वाले प्रोडक्ट नहीं पसंद है, जिन्हें एलर्जी है स्मेल से, वो ये प्रोडक्ट ना खरीदे, क्योंकि इसमें थोड़ा स्मेल तो है. बहुत ही इजीली अवेलेबल है मार्केट में, लोकल शॉप्स में भी आपको मिल जाएंगे एंड ऑनलाइन साइट्स पे भी आपको मिल जाएंगे. मैंने ये मंगवाया था नायका से. अगर आपको डाउट है इस प्रोडक्ट के बारे में तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि पहले आप इसका जो छोटा वाला साइज है वो आप इसे परचेस करो. वो 150 का आता है, 65 ग्राम रहता है उसमें एंड उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि ये आपके लिए वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है. सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज. आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. प्लीज मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो. एंड अगर आपका कोई भी तरह का वीडियो सजेशन है तो वो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो. मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी.